देखो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि वर्क पावर एनर्जी की जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका डेरिवेशन क्या होता है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, और मैंने आपको अप्लाई करने का एक तरीका भी बताया कि सबसे जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ये देखो कि कितने टाइप के फोर्सेज लग रहे हैं और कितने टाइप के फोर्स का वर्क हो रहा है, उसके बाद अपन ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। आज अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के ही एग्जांपल देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो बच्चों अपने को दे रखा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। आपको बोला हुआ एक मास है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0.3 दे रखी है। क्या दे रखी है? म्यू की वैल्यू 0.3, और आपको बोला हुआ है कि ये 9 है। कितना दे रखा है? 9। ठीक, आपसे ये पूछा हुआ है कि जब आपने इसको रिलीज किया, किसको इसको रिलीज किया होगा, तो ये पूछा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट ग्राउंड। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होने वाली है वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने लिखा वर्क डन बाय वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के वॉल, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन ये अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये देखो कि इस पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस है जिनका वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो ये ब्लॉक जो है इस पे देखो, ये एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पे एम जी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग ही रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। क्या केवल तीन फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे? इसके अलावा तो और कोई फोर्स नहीं है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पर मुझे पता है जो भी मूवमेंट है वो इधर की तरफ हो रहा है, नीचे आ रहा है, पर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल का तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और वैसे भी ऑन द सिस्टम जब अपन बात करते हैं तो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो केवल किस किस का वर्क आएगा? एक तो एम जी का, और एक किसका आने वाला है? फ्रिक्शन का। तो जब अपन यहां लिखेंगे बच्चों तो क्या आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है जिसका ये एंगल है 37 डिग्री, ये 9 है। तो मैं यहाँ पे अगर साइन 37 अप्लाई करूंगा तो आएगा 9 अपॉन x। तो x की वैल्यू देखो, ये आएगी 3/5 इज इक्वल टू 9 अपॉन x। x की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? ये आएगा 15, यानी ये लेंथ हमारी कितनी आ रही है? 15। तो अब ये देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे ही लग रहा है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मैंने। मैंने आपको बताया था ना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है। इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का गैप कितना है? 9। तो यहां पे अगर ये 9 है तो क्या लिखोगे? प्लस mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। फिर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अपन ने देखा था, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होता है, तो यह आएगा माइनस fr(l) is equal to k final minus k initial, पर k initial तो क्या होगा? जीरो होगा। रीजन उसके पीछे जीरो होने का, क्योंकि आपने यहाँ पे रिलीज किया है। अब देखो मास m g और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 9, फ्रिक्शन फोर्स म्यू m g cos 37 into लेंथ कितनी? x, जो अपन ने निकाली, और ये आ गया हाफ m v स्क्वायर। देखो बच्चों, ये m m और m तीनों में कैंसिल, ये आया 90 माइनस म्यू की वैल्यू कितना है? 0.3 है, इनटू g की वैल्यू कितना? 10, और यहां पे cos 37 कितना हो गया? 4/5, और x की वैल्यू यहां पे आ रही है 15, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। तो ये पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो गया, ये इससे 3 टाइम्स, यहां कितना आ गया देखो, 3 × 4 = 12, 12 × 3 कितना हो गया? 36। तो 90 माइनस 36 की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 2 के, तो कितना आ गया देखो, ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 108। तो v की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पे वो आ जाएगी 10.4 मीटर पर सेकंड।
कितनी आने वाली, 10.4 मीटर पर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे भैया 108 है, 11 का अंडर रूट कितना होता है, सॉरी 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, यानी 10 और 11 के बीच में कहीं रहा होगा, अब बिल्कुल मिडिल में होता तो 10.5 करता, उससे पहले है इसलिए 10.4 कर दिया है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो हमारे से बोल दिया कि यही इंक्लाइंड प्लेन है, पर इसके अंदर थोड़ा चेंज हम यहाँ पे करने वाले हैं। चेंज क्या करने वाले हैं कि आपने यहां पे एक स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है, और यहां बोला हुआ है कि ये सरफेस है स्मूथ और ये वाली सरफेस है रफ, और रफ सरफेस के अंदर ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, और ये ब्लॉक है एम मास का, ये हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर मीटर। पूछा क्या है? फाइंड आउट द कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या कंप्रेशन होने वाला है वो आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन इसके लिए डील करेंगे तो देखो वापस से वही यहां लिखेंगे वॉल वर्क डन बाय वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले वर्क देखो क्या एमजी का वर्क होगा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल होगा, वर्क डन बाय एफआर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसके बाद अपन देखें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब अपन यहां लिखेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी लिख दो, ताकि जो आपको फोर्स दिख रहा है वो अपन ने लिख दिए। रिलीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। आप यहां लिख लेना ये क्या है, रिलीज। अब थोड़ा जल्दी से लिखना सीखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लाइन बनाई मैंने दोनों के बीच का गैप, तो ये आ जाएगा प्लस mgh, नीचे आ रहा है। अच्छा यहां पे तो वर्क डन क्या होने वाला है, 0। सोचना ये ब्लॉक ऐसे आएगा और फिर यूं इसको कंप्रेस करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, जिसका अपन डायग्राम बनाए तो आप लोगों को डायग्राम से थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखो बच्चों, अगर ये टकराएगा तो ध्यान से समझना है, टकराने के बाद यहां से ये इंक्लाइन प्लेन आया, ये 37 डिग्री है और इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है ये। तो मुझे बताओ जब ये ब्लॉक यहां से यहां ऐसे आया है तो इस जगह पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, देखो नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो, वर्क डन कितना होता है, -1/2 kx2। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, -μmg cos θ (L), और उसने कहा है फाइंड आउट द कंप्रेशन। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। यहां पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन लिख लेना है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब जाके ब्लॉक रुकेगा तभी तो, भाई ये इसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो उस टाइम पे ब्लॉक क्या हो चुका होगा, रुक चुका होगा। यानी यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब लिखते हैं अपन, तो देखो ये हमें दे रखा है 12, तो ये कितना आएगा, 20। अगर आप ये लेंथ देखोगे तो ये वाली लेंथ कितनी आने वाली है, 20। आप उससे रेशियो से निकाल लो तो देखो ये आएगा m की वैल्यू हमारे को 2 kg दे रखी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 2 × 10 × height कितनी, 12, -1/2 k की जगह कितना है भैया, 100 x2, माइनस म्यू की जगह कितना दे रखा है, म्यू भी नहीं दे रखा, म्यू की वैल्यू ले लो 0.3, तो ये आएगा 0.3
इंटू 20 इंटू कॉस 37 4 बाय 5 लेंथ 20 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 240 माइनस ये इससे 4 बार ये पॉइंट से ये कैंसिल। तो देखो ये 6 इंटू 16 कितना आ गया 96 इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। ये इससे 50 बार कैंसिल हुआ या नहीं होगा? यहां से देखो कितना आया, एग्जैक्टली 100 माइनस करता तो 140 आ रहा है, तो ये 144 आ चुका है। तो 144 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स कितना आ गया 12 बटे, इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 7, ये आ गया 1.7, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, पर किसमें? मीटर के अंदर ये आंसर आया। तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, म्यू यहां दे रखा है, और हमें यहां पे सॉल्व करना था कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा। ठीक है, अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई हो तो कमेंट के थ्रू मुझे रिप्लाई करते हैं जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करता हूं। देखो मान लो हमारे को ये दे रखा है कि ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, और ये स्प्रिंग हो गया। ठीक है, आपसे बोला हुआ है कि ये इंक्लाइन प्लेन में ये जो है वो 3 meter की लेंथ है, ये एंगल है 37 degree, यहां से एक ब्लॉक है 2 kg का, किसका 2 kg का, और ये वाली जो सरफेस है वो 2 meter के लिए रफ है, जिसके लिए म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, और ये 100 newton per meter है, और ये वाली सरफेस आपको बोल दी है क्या है, स्मूथ है। ठीक है, आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन फ्रिक्शनल पार्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या हो गया, आपसे बोला हुआ है कि रेस्ट पे आने से पहले ये कितने फ्रिक्शनल पार्ट की कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, ये अपने से पूछा हुआ। तो देखो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो क्वेश्चन की थीम समझना। अभी पहले जैसा क्वेश्चन नहीं रहा, कैसे नहीं रहा है ध्यान से समझो। अच्छा ये यहां से आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? आएगा, फिर ये फ्रिक्शनल पार्ट में जाएगा, फिर उसके बाद स्प्रिंग से टकराएगा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वापस से स्प्रिंग इसको क्या करेगी, कंप्रेशन को रिलीज करेगी, फिर ये वापस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये वापस से किस पे निकलेगा, ओके फ्रिक्शनल पार्ट पे। तो देखो थोड़ा समझना बच्चों, में क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां पे एम मास है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये यूं जाएगा और ये यूं जाएगा, फिर उसके बाद वापस से यूं जाएगा, फिर ऐसे कंटिन्यूसली इसका मूवमेंट होता रहेगा। रीजन उसके पीछे, ये ब्लॉक नीचे आया, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, फिर फ्रिक्शनल पार्ट उसको कम करने की कोशिश करेगा,
फिर भी ये कुछ वेलोसिटी से पहुंचेगा किसके पास, स्प्रिंग फोर्स के पास। और स्प्रिंग फोर्स के पास जब ये पहुंचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स के पास अगर ये पहुंच रहा है तो मुझे बताओ ये टोटल कितनी डिस्टेंस मतलब इसको कंप्रेस करेगा, फिर वापस से स्प्रिंग इसको छोड़ेगी और ये आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं जब वापस जाएगा तो फ्रिक्शन वापस से वेलोसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है वो पहले वाली नहीं रहेगी, थोड़ी कम होगी। फिर उसके बाद वापस जाएगा, फिर फ्रिक्शनल पार्ट वाले से होके जाएगा, जिससे वेलोसिटी और कम हो जाएगी। फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, अब ये स्प्रिंग उतनी कंप्रेस नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी, और स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी तो फिर वापस जाएगा, फिर फ्रिक्शनल पार्ट से होके जाएगा, हाइट पहले से कम हो जाएगी। तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये कहीं रुक जाएगा, तो अपने को रुकने से पहले ये फ्रिक्शनल पार्ट में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ कहीं पे भी रुकेगा ये, जहां पे भी ये रुक रहा होगा मतलब उसके आगे नहीं जा सकता, तो मुझे बताओ स्प्रिंग को अगर ये कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग वाली सरफेस तो स्मूथ है, वापस इसको छोड़ देगी, यानी कहीं ना कहीं ये किस पे रुक रहा है, फ्रिक्शनल पार्ट पे रुक रहा है। तो अगर अपन यहां देखें, एक बार यहां से यहां तक ये लगाओ, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करने से जस्ट पहले अपन वो लगा के देखते हैं कि यहां पे इससे कितने का फर्क आ रहा है। तो देखो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, एमजी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो क्या जाएगा, यह आएगा 2 केजी का मास है तो प्लस में 2g और h की वैल्यू कितनी है 3, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू 2g cos 37 4/5 और लेंथ की वैल्यू 5 आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी म्यू यहां पे आएगा नहीं, गलत लिख दिया, म्यू तो केवल उस पे रहेगा, कितना आने वाला देखो माइनस इस वाले पे तो म्यू एम जी आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 2g इंटू 2 मीटर तक जाएगा, तो ये हाफ एमवी स्क्वायर। तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली कि स्प्रिंग के कंप्रेस करने से पहले इसके पास कितनी होने वाली है, तो देखो ये 0.4 से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्या जाएगा 60 माइनस 16 यानी वी स्क्वायर। यानी जब ये एक बार जा रहा है, क्या हो रहा है, एक बार जा रहा है तो कितने का फर्क पड़ेगा 16 का, है ना, फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। समझना ये क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज करने वालों में से है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर स्प्रिंग जो जाएगी वापस से कंप्रेस होगी, फिर ये इसको उतनी वेलोसिटी दे देगी, फिर ये गया, फिर फ्रिक्शनल पार्ट से होके जाएगा, फ्रिक्शनल पार्ट वापस से क्या कर देगा माइनस 16 का डिफरेंस ला देगा। तो जब ये जाएगा तो मुझे बताओ ये ऐसा था, जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, वी स्क्वायर की वैल्यू 44, जब यहाँ चढ़ने वाला होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी वी स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस कर देंगे तो 28 होगी कि नहीं होगी, होगी। फिर उसके बाद वापस किसी हाइट पे गया तो इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव वर्क हुआ, पर जैसे नीचे आएगा वापस से ग्रेविटेशनल फोर्स उतने अमाउंट में पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब इधर से होके जाएगा फिर से क्या जाएगा माइनस 16, यानी कितना आ गया 12। अब ये यहाँ पे पहुंचा कितनी वेलोसिटी से, वी स्क्वायर की वैल्यू 12 पे, फिर वापस से स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो फिर ये इधर की तरफ आएगा क्योंकि स्प्रिंग इसको रिलीज करेगी। तो जब जा रहा होगा तो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास एनर्जी तो 12 है, इसको पूरे को क्रॉस करने के लिए कितनी चाहिए 16, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस पे ये पहले ही रुक जाएगा। तो क्या करें भाई, अगर अपन यहाँ कहें कि 2 मीटर की लेंथ के लिए चाहती 16, तो एक के लिए कितनी चाहेगी 2/1, ऐसे कर लो 16 एनर्जी चाहती 2 मीटर कवर करने के लिए, तो एक के लिए कितनी चाहिए 2/16, और आपके पास 12 हो तो कितनी, तो 2 × 12/16 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3/2, कितनी आ गई 3/2, और अपन उससे निकाल भी सकते हैं।
समझ में आ गई। तो यानी 1.5 मीटर ये चला होगा, कितना चल रहा है 1.5 मीटर। तब देखो जा पहले यहां से गया था, जाने की कितनी डिस्टेंस 2 मीटर प्लस वापस आने की 2 मीटर, तब यहाँ पे कितने पे आया था ये 28 पे, फिर वापस गया तो 2 मीटर, तो यहाँ कितने पे पहुंचा था ये 12 पे, फिर वापस आया तो कितना 3/2 यानी 1.5, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई 7.5 मीटर। तो उसने कहा था कि फ्रिक्शनल पार्ट पे वो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 7.5 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है 7.5 मीटर, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी थीम समझनी पड़ेगी और वही थीम अपन ने यहाँ पे समझी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो अपने से बोल दिया जाए कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि अभी ये क्या है नेचुरल लेंथ में एनएल। अब क्या करा स्प्रिंग मास रिलीज्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सपेंशन। अभी मैं पहले करा चुका हूं, देखो मैक्सिमम एक्सपेंशन कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एग्जांपल से समझना। जैसे ये वाली चीज है, ये ब्लॉक है, आपने इसको रिलीज किया, रिलीज करते ही क्या होगा, देखो ये वाली बच्चों की हो गई अपने नेचुरल लेंथ क्या है, होल्ड करके रिलीज किया। अब ये किधर जाएगा नीचे, फिर एक कहां पे क्रॉस करेगा जहां पे मीन पोजीशन आएगी, क्या आएगी मीन पोजीशन, और फिर उसके बाद क्या होगा मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगा। देखो ये तो हमारी क्या है मीन, जहां पे एफ नेट क्या होगा जीरो होगा, और एक ये वो पोजीशन आएगी जहां पे मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगा, जिस पे वेलोसिटी क्या होने वाली है जीरो। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आप यहाँ पे ये चाहते हो कि मैक्सिमम एक्सपेंशन आए, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन तो तभी आएगा जब जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी जीरो। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय होल इज इक्वल टू डेल्टा के, तो किस किस का वर्क हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी लेके आ रहा है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पर क्या यहाँ इसके अलावा कोई और है, नहीं है, ये क्या आ गया k फाइनल माइनस k इनिशियल, पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसलिए रिलीज्ड की वजह से, और ये क्या है मैक्सिमम कंप्रेशन की वजह से है ना। तो मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर मैं कहूं कि ये x नीचे आया है तो क्या ये mgx लिखोगे कि नहीं लिखोगे, प्लस में यहां पे प्लस mgx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। रीजन इसके पीछे प्लस mgx लिखने का, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क अपन लिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर जो अपन ने बताया था डायरेक्ट, कैसे, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड या कंप्रेस करते हो तो ये इससे कैंसिल क्या आ गया mg इज इक्वल टू kx अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2mg बाय k, क्या आ गई 2mg अपॉन k, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जिसके अंदर कैलकुलेशन होगी, पर आप कहोगे कि उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो जल्दी से सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, याद करो बच्चों मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया था तब आप लोगों को ये चीज पहले ही बता दी थी कि ये वाली लेंथ होती है एम जी अपॉन के, बोला था कि नहीं बोला था, और ये वाली लेंथ भी होती है एम जी बाई के, मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव ये एक्सट्रीम पोजिशन होती है, ये भी क्या होती है एक्सट्रीम पोजिशन, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं एनएलएम के अंदर है ना। जल्दी से सभी बच्चे
स्क्रीनशॉट ले लें और रिप्लाई कर दें, समझ में आ गया हो तो, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि ये है 2 kg का ब्लॉक और ये 10 meter की हाइट है और ये एंगल है 37 degree। फिर यहां पे दूसरा इंक्लाइन प्लेन, ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 5 meter और यहां पे म्यू की जो वैल्यू है वो 0.4 दे रखी और ये एंगल भी 37 दे रखा है। ठीक है, आपको ये बोला हुआ है कि ये वाला जो डिफरेंस है हाइट का, ये हमें दे रखा है 5 meter। ठीक है, आपसे बोला हुआ है कि ये ब्लॉक को यहां से हमने क्या किया है, रिलीज किया है और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक, ये वाली सरफेस भी जो है वो स्मूथ है और एक केस में क्या है, रफ। फर्स्ट केस में तो स्मूथ है, सेकंड केस में क्या है, रफ है। आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है ध्यान से समझना बच्चों, कि ये ब्लॉक यहां से आता है, यूं जाता है और ऐसे गिरता है। आपसे बोला हुआ है कि ये रेंज क्या होगी, है ना। क्वेश्चन जबरदस्त, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, ब्लॉक ऑफ 2 kg मास रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन रीचेस टू अदर इंक्लाइंड प्लेन, find out when it is projected the range will be, कि जब ये आगे की तरफ गया ऐसे तो रेंज क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। पर देखो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक चीज आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ बच्चों में, ढंग से समझना। मैंने क्या करा, ये पॉइंट बोल दिया ये ए है और ये क्या है बी, यहां तक 5 meter गैप है। मैंने क्या करा, सॉल्यूशन करने के लिए वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। क्या करा, ए से लेके बी तक आपने क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना समझना कैसे अप्लाई कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक जितने भी फोर्स है वो लिख दो, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, क्या और कोई सा दिख रहा है क्या, नहीं है। यहाँ सरफेस स्मूथ है, यहाँ सरफेस स्मूथ है, केवल यहाँ फ्रिक्शन है। यहाँ से जो भी हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूंगा तो मुझे तो जहां से जहां जा रहे हो ना वहां तक के लिए लिखो, यानी ए से बी तक जा रहे हैं तो ए से बी तक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई यहां से नीचे आए होंगे तो पॉजिटिव वर्क, नीचे से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव वर्क, तो डायरेक्ट में ए से बी तक लगाओ ना, क्योंकि पाथ पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं इसकी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस में एम जी एच माइनस
ये आ जाएगा म्यू एम जी इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो रिलीज करने पे जीरो है, तो क्या एम 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 सब में कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आएगी, ये आया 10 इंटू 5 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 है, ये 10 इंटू लेंथ कितना 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ये यहां से पॉइंट से ये कैंसिल, कितना आया भाई, ये आ गया हमारे पास 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, तो v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 60, ये हमारी वेलोसिटी आई। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो प्रोजेक्टाइल भी लगेगा, कैसे लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने ये देख लिया कहाँ पे, ये इंक्लाइन प्लेन जो था जिसका एंगल 37 है उसके टॉप पे जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी रूट 60 है, जब टॉप पे ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है रूट ऑफ 60। जब यहाँ पे रूट 60 है तो ये और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट क्या रूट 60 कॉस 37 होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या रूट 60 साइन 37 होगा। तो अगर अपन देखें तो ये क्या वैसा क्वेश्चन हो गया क्या कि किसी हाइट से आपने प्रोजेक्शन किया हो जिसकी हाइट है 5 मीटर और यहां से ये वेलोसिटी रूट 60 को अपन ले लेते हैं। देखो ऑलमोस्ट अगर अपने को लेना है तो अपन इसको ले रहे हैं ऑलमोस्ट 8 मान लो आप, 8 × 4/5 और ये हो गया 8 × 3/5। तो मुझे बताए ये वाला कंपोनेंट तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेंज के लिए, और ये वाला कंपोनेंट किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो क्या करें, यहां से जब ये यहां पहुंचेगा तो मुझे पता है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगाऊं, y is equal to u sin theta into t minus half g t square, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपन ये। तो देखो y डायरेक्शन में हाइट कितनी है माइनस 5, ये अपन ने माना 0.0 माना, अब ये 0.0 आ गया, उसके बाद u sin theta into t कितना आ जाएगा 24/5 इंटू टी माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना आ गया 5t² माइनस 24/5 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 24/5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 25 माइनस 4/5 - 5 बटे 2 × 5। देखो अगर अपन टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये आ गया 24/5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आया देखो प्लस हो जाएगा तो 2500 होगा, तो 100 × 25 करोगे तो कितना हो गया 2500, तो आया 3076 बटे 25 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो नेगेटिव में तो होगा नहीं, ओनली क्या लेना है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव में तो ये क्वांटिटी बड़ी आ जाएगी। तब देखो 3076 को अगर आप अंडर रूट लोगे तो ये तकरीबन 55 के आसपास आएगा, ये आ जाएगा 24/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 9.79/50, यानी टाइम कितना लगा भाई, ये 1.6 सेकंड लगा, कितना लगा 1.6 सेकंड। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना है 32/5 इंटू टाइम कितना है 1.6, ये कितना आ गया 8 और ये 5, ये कितना आ गया 16
256 ये कितना आ गया 1 0 और ये आ जाएगा पॉइंट 2 4, ये हमारा आंसर आया है। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या चीज सीखी। अब देखो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहां से यहां तक क्यों लगाया, डायरेक्ट यहां तक लगाते लगाता बच्चों में, पर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी? ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस के लिए अगर हमारे को निकालना है तो मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी कि यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, यहाँ इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है वो अपन नहीं देख सकते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है बच्चों, वो मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि ये एक पुली है और यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और इधर की तरफ है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 kg का और यहाँ पे 3 kg का, इसका है 10 Nm/m, ये बोला हुआ है स्मूथ पुली लाइट है ना। आपसे बोला हुआ है फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक सो दैट 3 kg ब्लॉक लिफ्ट मस्ट लिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड मस्ट लिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए आपको ये बताना है, क्या करना है ग्राउंड से ये ऊपर की तरफ ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो बच्चों, अगर अपन यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मान लो ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे आया इतना एक्स, तो एक्स इसमें क्या हो गया होगा एक्सपेंशन हो गया होगा। अब अपने से बोला हुआ है कि इसके वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए। अब मुझे एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, जो चीज मैं सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, वो क्या है, अगर ये 3 kg वाले को देखें जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो ऊपर kx लगेगा कि नहीं लगेगा, और यहां पे क्या लगेगा 3g mg फोर्स लगेगा। इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा कि जब मीन पोजीशन आएगी यानी ये ऊपर kx और mg यानी जहां पे दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे तो kx किसके इक्वल होगा mg यानी k x is equal to 3g, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 क्योंकि k की वैल्यू 10 है ना। तो मुझे बताओ x की वैल्यू 3 होगी तब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस, यानी अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। अब अगर मैं कहूं x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 का मतलब अपर फोर्स क्या हो गया ग्रेटर डाउन फोर्स, तो इसका मतलब क्या होगा ये ब्लॉक किधर की तरफ खींचेगा ऊपर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अगर अपन यहाँ पे खींच देखेंगे तो ये ब्लॉक जो होगा वो ऊपर की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ खिसकेगा तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको x नीचे लेके आ रहा हूं तो पहले वॉल लगाएंगे तो क्या आएगा वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के, ये आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, जस्ट लिफ्ट ऑफ की कंडीशन आ रही है। तो इनिशियली तो आपने इसको क्या किया है अपने से बोला हुआ है कि कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे देखो
यहाँ पे कितना हो जाएगा जब लिफ्ट होने वाला होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो 2g नीचे लग रहा है तो ये आ जाएगा प्लस में 2gx, फिर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है, तीन। कारण इसके पीछे जस्ट लिफ्ट ऑफ की कंडीशन आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने तीन वाले का क्यों नहीं लिया, क्योंकि तीन वाला तो जस्ट ऊपर उठने वाला है बच्चों, उठा नहीं है, जब उठने लगेगा तो वाली चीज आ जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, यह आ गया 2 × 10 और यहाँ पे 3 माइनस हाफ 10 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2 × v² यहां से ये देखा तब बताओ भैया ये आ गया हमारे पास 60 − 45 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी वी की वैल्यू √15। मतलब जस्ट जब आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया है तो रिलीज करने के बाद जब ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये जस्ट टूटने वाला होगा तो ये वाली कंडीशन होगी। और अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि अगर हमारे से बोला जाए कि क्वेश्चन के अंदर कि दोनों एक साथ मूव करने लग गए तब क्या करोगे, तब तो फिर कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है, स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा कवर कराता हूं, मान लो हमारे को ऐसा दे दिया कि ये 5 kg का ब्लॉक है, इसको आपने किसी एच हाइट तक रखा हुआ है, ठीक है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको एच हाइट से गिराया और क्या पूछा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। पहले से मुझे बताओ जब ये रखा हुआ है तो मुझे बताओ क्या पहले से ही ये एक्स नीचे किसका हुआ है, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है और मुझे पता है ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ आया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके जब ये 3 kg का रखा हुआ है तो 3g नीचे लगाया होगा और यहाँ पे क्या होगा kx, तो ये kx किसको बैलेंस कर रहा होगा 3g को, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3g बाय k, यानी पहले से ये जो ब्लॉक है वो कितना नीचे है 3g बाय k है। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जैसे समझना, जब आपने ब्लॉक को रिलीज कर लिया तो ये एच हाइट से नीचे गया तो ये जो यहाँ की कंडीशन थी उससे ये ब्लॉक नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, और कितना ये आ चुके हैं ये 5 और ये 3। तो अब यहाँ पे जब अपन लगाएंगे वर्क डन बाय होल इज इक्वल टू डेल्टा के में, तो ध्यान से समझना वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा बिल्कुल होगा, एक और ग्रेविटी का होगा बिल्कुल, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो मैक्सिमम तो कब होगा जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो, इनिशियली आपने रिलीज किया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये 5 वाला नीचे आया तो टोटल कितना नीचे आया प्लस में 5gh+x, कितना नीचे आया 5gh+x, तो नीचे आए और स्प्रिंग को और इसने कंप्रेस कर दिया। अच्छा ये कितना किसका, ये आ गया प्लस 3g × x, ये तो केवल इतना क्योंकि पहले से रखा हुआ था तो ये तो x ही किसका ना, और माइनस हाफ के नेचुरल लेंथ से लिखते हैं तो क्या लिखोगे x प्लस 3g बाय k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मत भूल जाना बस, क्योंकि पहले से ही स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है 3g बाय k जो अपन ने निकाल लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आएगा आपका आ जाएगा देखो 5gh प्लस 5gx प्लस 3gx माइनस हाफ के एक्स प्लस 3g का 3g बाय k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब अपन मान लेते हैं h की वैल्यू 2 मीटर जो भी आपको दे रखी होगी, x अपने को निकालना है,
के की वैल्यू कुछ कंसीडर कर लेंगे, तो अपन यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं जब वैल्यूज दे रखी हो। ज्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेनी, पर ये जो कम यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये थे वर्क एनर्जी थ्योरम के एग्जाम्पल। अब अपन कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए भी दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर अपन देखेंगे कि पावर वगैरह की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। चलो।